मध्य प्रदेश के सागर से एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसे जानने के बाद आप भी यही कहेंगे कि भारत में दलित होना मानो जैसे गुनाह हो गया हो और दलितों की जिंदगी की यहाँ कोई कीमत नहीं बची हो। एमपी में दलित परिवार के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई और एक ही परिवार के तीन तीन लोगों को मौत के सिवा कुछ नहीं मिला। छेड़खानी की शिकायत करने वाली एक दलित लड़की के भाई को मार डाला गया था, फिर उसके चाचा को भी पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया और फिर पूरे फिल्मी स्टाइल में खुद पीड़िता की भी जान चली गई। इंसाफ के लिए दर दर की ठोकर खा रहे दलित परिवार को बर्बाद कर दिया गया। हम आपको सिलसिलेवार ढंग से पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल साल 2019 में पीड़िता ने आरोप लगाया था कि जब वो गांव में नहाने गई थी तो गांव के आजाद ठाकुर, विशाल ठाकुर, पुष्पेंद्र ठाकुर और छोटू रायकवार ने उसके साथ छेड़खानी की और बदसलूकी की। पीड़िता की उम्र उस समय सिर्फ 15 साल थी। आरोप है कि विशाल ठाकुर ने बच्ची को थप्पड़ मारा और किसी से शिकायत ना करने की धमकी भी थी। बच्ची ने आरोपियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी जिसमें आईपीसी की धाराओं के साथ साथ SC/ST एक्ट की धाराओं को भी जोड़ा गया था। आरोप है कि तभी से आरोपी पक्ष के लोग पीड़ित परिवार पर मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव बना रहे थे, लेकिन पीड़ित परिवार डटा रहा और केस वापस नहीं लिया। इसी रंजिश में पीड़ित के 18 साल के भाई को अगस्त 2023 में पीट पीट कर जान से मार डाला गया। अपने बेटे को बचाने गई माँ को भी निर्वस्त्र कर गाँव में घुमाया गया। तब अपने भाई की लाश से लिपट कर रोती हुई इस बच्ची की तस्वीरें सामने आई थी। इस वारदात के बाद हत्या का केस दर्ज हुआ और पीड़ित परिवार के लिए एक और जंग शुरू हो गई। तब पीड़िता ने प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई थी। आरोपियों के घर से मकान की हालत खराब की, पूरा तोड़ा फोड़ा, उन्होंने पूरा सामान तोड़ा, तो हमें आपसे कोई मुआवजा नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ तो कर रहे। पीड़िता के जिस भाई को पीट पीट कर मार डाला गया था उसने भी ये शक जाहिर किया था कि आरोपी किसी भी वारदात को अंजाम दे सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने पीड़ित परिवार की कोई सुध नहीं ली और आरोपी सरयाम परिवार को धमकाते रहे। कोई पुलिस सुनती नहीं थी, हम लोग तो गरीब आदमी हैं, वो पैसे वाले हैं, निर्विरोध उनके बड़े भाई सरपंच निर्विरोध बने थे, उनका छोटा भाई वो पार्षद बना था निर्विरोध, इसी के चलते उनका तो दबदबा चलता है गाँव में। बहन के साथ ये किस तरह का सलूक करते थे कि आप लोगों को केस करना पड़ा? जी स्कूल जाती थी तो वहाँ पे छेड़छाड़ करते थे। किस प्रकार की छेड़छाड़? अरे कहाँ जा रही हूँ, चल रही हूँ, क्या आया, बहुत सी ऐसी बातें जो अब अपन कुछ कह नहीं सकते। अभी आप कल कितने बजे की घटना हुई? जी कल जे 7 बजे से लेकर 8, 8:30, 9 बजे तक चली। कल किसी महिला के साथ भी बदसलूकी की गई? जी जी। क्या किया गया? पहले क्या हुआ, हमारा छोटा भाई गया स्टैंड पे सब्जी लेने के लिए, तो वो बहुत देर तक नहीं आया, तो हमारी माँ भी गई साथ में, माँ भी नहीं आई तो फिर बहन भी गई। लड़के के भाई की हत्या के बाद विक्रम ठाकुर, विजय ठाकुर, अज़दा ठाकुर, कोमल ठाकुर, लालू खान, इस्लाम खान, गोलू सोनी, नफीस खान और वहीद खान के खिलाफ हत्या और SC/ST एक्ट की धाराओं में केस दर्ज हुआ था। बीती 25 मई को पीड़िता के चाचा को भी पीट पीट कर मार डाला गया। समझौते के लिए परिवार पर दबाव बनाया जा रहा था और इसी सिलसिले में पप्पू रजक के घर पर मीटिंग हुई थी। पीड़िता के चाचा को अपनी गवाही बदलने के लिए धमकाया जा रहा था क्योंकि वो उसके भतीजे की पीट पीट कर हत्या के मामले में गवाह था, लेकिन जब वो नहीं माने तो उन पर जानलेवा हमला कर दिया गया। बाद में अस्पताल में उनकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में आशिक कुरैशी, बबलूर बेना, इसराइल बेना, फहीम खान और टंटू कुरैशी के खिलाफ केस दर्ज किया है, जबकि एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। रविवार यानी 26 मई को पीड़िता अपने चाचा की बॉडी को एम्बुलेंस में लेकर गांव आ रही थी। पुलिस के मुताबिक पीड़िता ने एम्बुलेंस का गेट खोलकर छलांग लगा दी और गिरने से उसकी मौत हो गई। यानी पूरे फिल्मी स्टाइल में सेक्सुअल हरेसमेंट की शिकायत करने वाली दलित लड़की की भी जान चली गई। लेकिन अब आप पीड़िता के कुछ पुराने वीडियो देखिए और अंदाजा लगाइए कि क्या ये लड़की जो इंसाफ के लिए डटी हुई थी वो खुदकुशी कर सकती है। 2019 में जो मेरे साथ छेड़छाड़ हुई थी
विक्रम सिंह ठाकुर और पुष्पेंद्र ठाकुर, अंकित ठाकुर, विशाल ठाकुर, छोटू रेखवार, इन लोगों ने मेरे साथ छेड़छाड़ की थी। तो उस टाइम मैंने जब ये छेड़छाड़ की थी, बुरी तरीके से छेड़छाड़ की थी, तो ये लोग बोले कि अगर तुम घर पे बताओगी तो मैं जो भी मतलब जान से मार देंगे। तो मैंने आके अपनी मम्मी को, भैया को बताया। तो जब मेरे भैया ने इनसे पूछा तो उल्टा इन लोगों ने मेरे भैया को बीच स्टैंड पे मारा था, तलबे चटवाए थे, तो जिसका वीडियो मेरे पास है। और 2019 का जो केस था उसका राजीनामा का दबाव बना रहे थे ये लोग, राजीनामा का दबाव कि राजीनामा करो। हम लोगों ने राजीनामा नहीं किया तो इनने हमारे भैया को मार मार के निर्मम हत्या कर दी इनकी। अब आप अंदाजा लगाइए कि क्या पुलिस के दावों पर यकीन किया जा सकता है? क्या इस पूरे मामले में भयंकर लापरवाही और साजिश की बू नहीं आ रही? क्या एमपी की बीजेपी सरकार से ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि क्या मध्य प्रदेश में दलित होना गुनाह हो गया है? क्या दलितों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं? और क्या दलितों को यूं ही भेड़ बकरियों की तरह मारा जाता रहेगा? इस वारदात ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, लेकिन मामला दलितों से जुड़ा है, इसलिए ना सवालों के जवाब मिलेंगे और ना ही इंसाफ। चुनाव में दलितों के वोट पाने के लिए उनके पैर तक धोने वाली बीजेपी के राज में दलितों के साथ क्या हो रहा है, ये इस वारदात ने सबके सामने लाकर रख दिया है। इस मामले में पीड़ित परिवार को तुरंत सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए और उचित मुआवजा भी दिया जाना चाहिए। साथ ही नामजद आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होनी चाहिए। साथ ही सागर जिले के एसपी और डीएम समेत थाने के सभी पुलिस वालों को सस्पेंड किया जाना चाहिए। इस मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को भी दखल देना चाहिए और आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। आजादी के 75 साल बाद भी दलितों के साथ ऐसी हैवानियत होना आजादी के मायनों पर ही सवालिया निशान लगा देता है। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर लिखें। वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल द न्यूज बी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज बी का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज बी फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।